करते पाकिस्तान से यहाँ पे कौन लेते हैं सारे का खून का सीधा बाहर यहाँ पे पीछे पीछे चलेंगे परमिशन मांगे थे लेकिन आज तक बीएसपी मैनेज इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और हम लोग जहां तक कानूनी दृष्टिकोण से मानते हैं कि अगर मौन स्वीकृति भी हो जाए कोई उसके लिए ना अस्वीकृति आए ना स्वीकृति आए तो उसको स्वीकृति माना जाता है। साथियों अपने आज के इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करने जा रहा हूं 25 दिसंबर के दिन की। 25 दिसंबर के दिन पूरे भिलाई से दुर्ग में सिर्फ एक ही खबर और एक ही न्यूज़ घूम रही थी पूरे भिलाई और दुर्ग में कि सर्कुलर मार्केट चट्टाई मोहल्ला अटल प्रगति गार्डन में हो गया है विवाद, पूरा सर्कुलर मार्केट छावनी में तब्दील हो जाता है। ऐसा क्या हुआ था उस दिन 25 दिसंबर के दिन? साथियों कुछ खास है हम लोगों के लिए, आपके लिए, राजनीति के लिए। ऐसा क्या हुआ था 25 दिसंबर के दिन? 25 दिन अगर हम इतिहास में जाते हैं तो 25 दिसंबर के दिन में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ था जिसने एक बहुत बड़ी पार्टी, एक विशाल पार्टी, मतलब हम ये मान सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था। साथ के साथ वो बहुत अच्छे कवि भी थे और एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के जिनकी बातें पूरा विपक्ष जब वो कहा करते थे तो शांति के साथ चुपचाप सुना करते थे। ये वक्त 1996 का है भारत का, जब संसद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये दौर उस वक्त का था जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सत्ता में नहीं थी लेकिन उसके बाद भी सत्ता इन्हीं के पास थी और कुछ सहयोगी दल थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस के विरोध में एक पार्टी खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी, जिसको खड़ा करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा हाथ था। उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है और उनके जन्मदिन में विपक्षी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल होते हैं, पूरा बीजेपी कांग्रेस एकजुट होकर के उनका जन्मदिन मनाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ 25 दिसंबर को भिलाई के सर्कुलर मार्केट में कि एकाएक पूरा दिन भर एक ही खबर चलती रही कि सर्कुलर मार्केट बन गया है छावनी, वहां हुई है मारपीट, हुई है लड़ाई झगड़ा, हाथापाई, कांग्रेस कर रही है विरोध, कांग्रेस के MIC के सदस्य और मनान गफ्फार खान जो पार्षद हैं वो कर रहे हैं उस बहुत बड़े एक आंदोलन का नेतृत्व। तो इस पर आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, आखिर क्या हुआ उसके बाद, ऐसा क्या हो गया कि एक स्टेप बैक लेना पड़ा कांग्रेस को और MIC काउंसिल को इस पूरे विवाद को पूर्ण विराम करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज और मैं आप लोग का एडिटर शिव कुमार सिंह। शुरू करते हैं साथियों, दरअसल पीछे चले दो दिन पहले 25 दिसंबर को तैयारी हर जगह हर शहर की तरह भिलाई में भी हो रही थी। बड़े ही धूमधाम से, बड़े हर्ष उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के ब्रिगेडियर, पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता लगे हुए थे क्योंकि उस दिन अटल जी की जयंती थी। सर्कुलर मार्केट चट्टाई मोहल्ले में अटल प्रगति गार्डन में, जो गार्डन पहले से ही है, वहां पर उनकी मूर्ति स्थापना की जानी थी और साथ में भाजपा के क्या छोटे क्या बड़े सभी नेता वहां पर शामिल होने थे। वो तैयारी के बारे में जानकारी कांग्रेस को पहले से ही थी और ये सारा कार्यक्रम अपने समय से तय समय के अनुसार होना था। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले अचानक उपज जाता है एक विवाद। ये विवाद है सर्कुलर मार्केट में रहने वाले लोग, चट्टाई मोहल्ले में रहने वाले लोग और वहाँ के जो पार्षद हैं मनान गफ्फार खान, जो भूतपूर्व स्वर्गीय गफ्फार खान जी के सुपुत्र हैं और अभी के वहाँ के पार्षद हैं और MIC सदस्य हैं। उन्होंने एकाएक कर दिया वहाँ पर हल्ला बोल और कर दिया विरोध कि राजनीति तो भैया इस उद्यान में नहीं होगी क्योंकि ये जो उद्यान है ये आम लोगों का है और यहाँ पर किसी की मूर्ति नहीं लगी जाएगी। ये बात बीजेपी वालों को हजम नहीं हुई, बीजेपी वालों ने भी अपनी सेना बुला ली, पूरे पूरे नेता वहाँ आ गए और दोनों गुटों के बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुए, हाथापाई हुई।
फिर इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए आईपीएस प्रभात कुमार को आना पड़ा, उनको इंटरप्ट करना पड़ा और उन्होंने समझाया बुझाया, लेकिन मामला ठंडा हो नहीं रहा था। अपने बात पे अड़े हुए थे मन्नान गफ्फार खान, क्योंकि वो पूरे उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जब देखा कि मामला ठंडा हो नहीं रहा तो मूर्ति की स्थापना तो कर दी गई थी, क्योंकि उनके नाम से ही बना था पार्क, कार्यक्रम तय था, प्रशासन से सब चीज का पहले से ही परमिशन ले ली गई थी। लेकिन जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तो मूर्ति की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन फूल माला आगे जो भी कार्यक्रम होना था धूमधाम से वो नहीं हुआ। साथ के साथ खुशी में खलल मचा दी वहाँ के पार्षद एमआईसी सदस्य ने। उसके अगले दिन जब कांग्रेस इस मामले को बीजेपी ने उठाया और कांग्रेस बैक स्टेप में जाती हुई दिखी, तो भिलाई निगम वहाँ के जो महापौर हैं पॉल जी, उन्होंने एमआईसी काउंसिल की मीटिंग बिठाई, जिस मीटिंग में खुद मन्नान गफ्फार खान जो एमआईसी के सदस्य और पार्षद हैं जिन्होंने पूरा नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, उसमें इस जो कार्यक्रम होना था उसको हरी झंडी दिखा दी। तो हमारा सवाल यहाँ पर यह है कांग्रेसियों से, अगर आप लोग को इस तरीके से करना ही था तो आपने पहले विवाद क्यों पैदा किया, और अगर आपको विवाद पैदा करना था तो फिर आप अड़े रहते, अपने बात पर नहीं होने देते, कार्यक्रम को मूर्ति की स्थापना होने देते। क्या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही थी? क्या लाइमलाइट में आना था कुछ लोगों को इस मुद्दे के? तो ये बात, और इस जब परमिशन दे दी एमआईसी सदस्य ने तो हमारी टीम ने जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे जिनके सामने सारी चीज हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी के और दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी से हमने इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करी, उनसे पूछा कि परमिशन दे दी है तो उनका क्या कहना था, ये आप इस वीडियो के जरिए देखिए। सर, एमआईसी भिलाई निगम में महापौर जी हैं, उन्होंने पास कर दिया है प्रतिमा को लेकर, तो उस पर आपको क्या कहना है? ये तो बहुत खुशी की बात है और देर आए दुरुस्त आए, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और उस दिन भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा गहरी बात नहीं थी जिसमें इतना बड़ा बॉर्डर बनाया गया वहाँ के स्थानीय पार्षद ने। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भी समझाया था कि भाई ये एक महापुरुष भारत रत्न की प्रतिभा है, और 10 दिन से हमारे बच्चे इस पर तैयारी भी कर रहे हैं, उस समय संज्ञान में लेके आप इस तरह की जो बात अभी कर रहे हो करते तो सब उसी समय साल हो जाता। एक साधारण सी बात थी, बीएसपी की ज़मीन है और बीएसपी की ज़मीन में हमारे जो बच्चे हैं पर्यावरण समिति के, अटल उद्यान स्मृति उद्यान बनाकर वो वहाँ पे 5 साल तक उस उद्यान को सुरक्षित रखे हैं और वहाँ पे हरा भरा भी रखे हैं, और हर साल 25 तारीख को एक वहाँ पे राय अटल जी की जयंती भी मनाई जाती है जिसमें हम लोग भी शिरकत करते हैं। तो वो कोई नई बात नहीं है, आज अगर मूर्ति स्थापना की बात हुई है तो स्वागत योग्य है, और आपको भी एक जिम्मेदार पार्षद होने के नाते उसमें सहयोग करना चाहिए था, आप इसमें बवंडर करने हैं ये ठीक बात नहीं है। और इतना बड़ा हादसा हुआ और उस समय जो पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन ने स्थिति संभाली, हम लोग भी बोले कि भाई ठीक है अगर राजनीतिक ये स्वरूप दिखता है आपको तो हम भी नहीं जाएंगे, 2 बुजुर्ग को ले जाइए और दो या तो 2 बच्चों को ले जाइए, पूजा पाठ करके आप फूल हार पहना दीजिए। अंत में जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मिलकर उसको वहाँ पे स्थापित भी किए, फिर वहाँ ताला भी लगा दिए। अभी वर्तमान में जो वहाँ के जो पौधे हैं वृक्ष हैं उसको पानी देना है, उससे भी वंचित हैं वहाँ के लोग। तत्काल दूसरे दिन आनंद फानंद में ये एमआईसी बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया, तो यही बात उसी दिन भी हो जाता। फिर उसी दिन जो जिला में एक समिति होती है प्रतिमा निर्माण की स्वीकृति जहाँ से ली जाती है जिला की समिति, वहाँ से भी मेरे पास ये पत्र आ गया है कि इसमें
तत्कालिक बैठक रखी गई, जबकि बैठक की सूचना तो नहीं थी, मगर मैं इसका स्वागत करता हूँ। और कलेक्टर से मेरी बात हुई है कि इसमें कोई राजनीति हुआ ना है, एक सामूहिक रूप से हम लोग इसमें उस मूर्ति की जो अनावरण की प्रक्रिया उसको पूरा कर लें, जो भावना प्रशासन की भी है, और कोई भेदभाव ना हो, और इस जो ये जो उद्यान है उसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी यथावत वही पर्यावरण समिति को रहे, ताकि बच्चों की भावना के अनुसार वहाँ के मूल्य